उत्तराखंड उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन हवे अंतिम तबक्का में छे। महत्वनुं छे के रेस्क्यू टीम टनल नी अंदर फसायेला 41 मजूरों रेस्क्यू ऑपरेशन में लागी छे अने सतत आ मुद्दे कामगीरी करवामां आवी रही छे। आज रेस्क्यू ऑपरेशन त्रीजो दिवस छे। हवे मजूरो अने रेस्क्यू टीम नी वच्चे मात्र थोड़ाक ज मीटरनुं अंतर छे। तेनी पहला एक एवो समय पण आव्यो ज्यारे संभावनाओ वधी गई हती के गणतरीना कलाकोमां ऑपरेशन पूरुं थई जशे। जो के ओगर मशीन ने जे प्लेटफॉर्म पर मुकवामां आव्युं हतुं तेमां तिराडो पड़वा लागी हती जेना कारणे ड्रिलिंगनुं कामकाज रोकवुं पड्युं। परंतु हवे ओगर मशीनना प्लेटफॉर्मने स्टेबिलाइज करीने ड्रिलिंग शरू करवामां आवशे। हमारी साथे संवाददाता सुरेंद्र दसीला लाइव जुड़ाया छे। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे अभी तक जो मजदूरों को बाहर निकालने का जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी क्या अपडेट मिल रही है, कब तक सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे? धारा, देखिए बिल्कुल ये अंतिम दौर पर अब ये ऑपरेशन चल रहा है। आखिरी जो पाइप है उसको डालने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है और इसमें भी कुछ घंटे का समय लगता है। और इसके बाद जब ये मशीन पूरा जहाँ तक जो टारगेट बनाया गया है वहाँ तक पाइप को पहुँचा देगी तो फिर SDRF NDRF के जो जवान हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ टनल के अंदर जाएंगे। वहाँ बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, इनकी हालत चेक करेंगे और फिर वहाँ से एक एक करके जो मजदूरों हैं उनको बाहर लाने की कोशिश होगी। जो पहले तबीयत जिसके ख़राब होगी, कोई गंभीर होगा, उसको पहले बाहर लाया जाएगा और वहाँ से फिर एम्बुलेंस के ज़रिए ये पूरी दूरी तय की जाएगी जो करीब 1 से 1.25 घंटे का सफ़र है। और टनल से चिनियालीसौड़ जो अस्पताल है वहाँ लाया जाएगा। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ उसमें मौजूद रहेंगी, पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करेगी, ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोका जाएगा। अब पहले आपको दिखा दूँ कि टनल के बाद उनको लाया कहाँ जाएगा। मेरे ठीक पीछे कैमरा सहयोगी संदीप बड़ौला आपको दिखा रहे हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनियालीसौड़ है जिसमें पूरा बैकअप प्लान तैयार है। यहाँ उनको लाया जाएगा, जो विशेष वार्ड बनाया गया है उसमें ट्रीटमेंट होगा। ITBP के आप जवानों को देख रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी पे सभी गेटों में उनको लगाया गया है क्योंकि इसके भीतर कोई और आदमी प्रवेश नहीं करेगा। सिर्फ वो लोग जो इस टनल से निकाले जा रहे हैं या फिर जो रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं या जिनकी ड्यूटी यहाँ पर तैनात है, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुँचेंगे, तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहले जो लोग रेस्क्यू करके लाए जाएंगे स्पेशल वार्ड में, उनके ट्रीटमेंट शुरू होंगे। मनोचिकित्सक से लेकर कार्डियो एक्सपर्ट और इसके अलावा फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थेटिक, ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, वो यहाँ रहेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन मजदूरों से बात कर सकते हैं, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। अस्पताल प्रशासन VC का अरेंजमेंट कर रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैसे प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों से बात करेंगे और इनमें अगर कोई क्रिटिकल होता है, डॉक्टर्स की टीम को लगता है कि हायर सेंटर भेजने की ज़रूरत है, तो इनको फिर एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश यहाँ से भेजा जाएगा और जो लोग नॉर्मल हैं, स्थिर रहेंगे, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। पिछले 13 दिनों से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, बहुत उम्मीदें लोगों को हैं और अब ये अंतिम चरण में है तो इसलिए तैयारियां भी चल रही हैं। ये पूरा क्षेत्र ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा, इसलिए ट्रैफिक को भी उस दौरान रोका जाएगा, लोगों को रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। सिर्फ टनल से यहाँ तक का रूट ही एक्टिव रहेगा जिससे इन तमाम लोगों को यहाँ लाया जाना है। धरा, बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। तो टनल में फसायेला मजूरों ने बचावा माटे प्रार्थनानो दौर पण एक तरफ शुरू थयो छे। आजे ऑपरेशन जिंदगी एटले के तमाम मजूरों ने बाहर काढवा माटे आ ऑपरेशन जे चलाववामां आवी रह्युं छे तेनो त्रीजो दिवस छे।